जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन के माध्यम से स्वयं को पहचान कर भक्त से भगवान बन जाना ही देव दर्शन का मूल प्रयोजन है। देव दर्शन नामक इस बोधि कथा में यही प्रेरणा दी गई है। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव कार नमः त्रियोग संहार के। बच्चों, पंडित ध्यानात राय जी एक भजन में कहते हैं, जिनके हृदय प्रभु नाम नहीं तिन नर अवतार लियो न लियो। अर्थात जिनके हृदय में जिनेंद्र प्रभु की भक्ति नहीं है उनका तो ये मनुष्य जीवन निरर्थक ही है। दर्शन पाठ में आता है ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन से सब पापों का नाश होता है। देव दर्शन स्वर्ग की सीढ़ी है, और तो क्या, देव दर्शन साक्षात मोक्ष का साधन है। पंडित दौलतराम जी कहते हैं ना, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है। अर्थात वीतरागी भगवान की परम शांत मुद्रा भव्य जीवों के लिए आत्म अनुभूति में निमित्त होती है। इसलिए बच्चों, हमें प्रतिदिन देव दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। हम देव दर्शन करते भी हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं जिसमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पांच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। किस कारण करते हैं इनको नमस्कार? उनमें प्रकट वीतराग विज्ञानता के कारण। वीतरागता अर्थात मोह राग द्वेष रहित परिणाम, और विज्ञानता अर्थात सम्यक ज्ञान। बच्चों, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी मोह राग द्वेष का पूर्णतया अभाव होने से पूर्ण वीतरागी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, हमारे आराध्य देव हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु को एक देश रागादि का अभाव होने से एक देश वीतराग विज्ञानता के धारक हैं, भाव शुद्ध ज्ञानी हैं, अतः उन्हें भी उपचार से देव संज्ञा लागू होती है। अर्थात पांचों ही परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, और पांचों ही परमेष्ठी सुखी हैं, क्योंकि वीतराग विज्ञानता ही तो सुख का कारण है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण में कहा है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये वीतराग विज्ञानता आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, शरीर की नहीं, आत्मा में ही होती हैं, आत्मा के ही आश्रय से होती हैं। और बच्चों, हम तुम भी तो स्वयं आत्मा ही है ना। पूर्ण वीतराग विज्ञानता प्रकट करने की शक्ति हम सब में है। आचार्य योगिंदु देव योगसार में कहते हैं, ज्यों बीज में है बड़ प्रकट और बड़ में बीज लखात, त्यों ही देह में देव वह जो त्रिलोक का नाथ। हम सब प्रतिदिन पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सव पावप नाशनो मंगलाणम च सव्वे सिम परमम होई मंगलम, कि ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। सब मंगलों में पहला मंगल है, मोह राग द्वेष का नाश करने वाला है और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। अब इस बात पर विचार करते हैं कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश कैसे कर देता है।
पहला मंगल कैसे कर देता है, मोह राग द्वेष का नाश और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे करा देता है। देखो बच्चों, अभी हमने समझा ना कि नमोकार मंत्र में वंदनीय पांचों ही परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानता रूप है और वीतराग विज्ञानता आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, आत्मा में होती हैं और आत्मा के ही आश्रय से होती हैं। और हम तुम भी तो आत्मा है। ऐसा निर्णय करने वाले भक्त का उपयोग पांचों परमेष्ठियों से हटकर निज आत्मा में झुक जाता है। निज आत्मा का दर्शन होते ही पहला मंगल हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है, मोह आदि का नाश और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होकर शाश्वत अविनाशी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाती है। बच्चों, जीव सुखी होना चाहते हैं परंतु सुख का सच्चा उपाय नहीं जानते। जब कोई मुसीबत आ घेरती है या किसी वस्तु विशेष की तीव्र जिज्ञासा तीव्र इच्छा जागृत होती है तो भगवान को याद करते हैं। बच्चों, लौकिक सुख की इच्छा से भगवान की उपासना करने वाला वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का उपासक नहीं हो सकता। आज हम मंदिरों में देखते हैं कि भक्ति का स्वरूप ही बिगड़ता जा रहा है। भक्ति तो करते हैं परंतु चित्त तो कहीं और है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि बोलते हैं वो भी अनिष्ट के नाश और इष्ट की प्राप्ति की इच्छा से, रोगादि मिटाने के लिए या धन पुत्र आदि प्राप्त करने की इच्छा से। हे भगवान, मैं इस नगर का सेठ कहलाता हूं, मेरे पास अपार धन संपदा है, आपकी कृपा से मेरे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, परंतु हे भगवान, मेरी कोई संतान नहीं हुई। आपकी कृपा से मुझे एक संतान हो जाए, यही एक अपेक्षा है। मैं नित्य पूजन आदि तो करूंगा ही, साथ ही भक्तामर जी का और सिद्ध चक्र का अखंड पाठ भी करवाऊंगा। हे भगवान, यहाँ तक कि मैं एक स्वर्ण कलश भी चढ़ाऊंगा। देखा बच्चों, इस भक्त ने भगवान की पूजा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से की। किससे मांगा पुत्र? जो धन, घर, पत्नी, पुत्र, राजपाट आदि छोड़कर आत्म साधना में रत हुए हैं, उन वीतरागी भगवान से। इन्हें वीतरागी भगवान की या वीतरागता की महिमा नहीं है, पुत्र की महिमा है। तो पाप बंद ही होगा, धर्म कहां से होगा। और इन भक्तों को और देखो। हे भगवान, आप कैसे भगवान हो जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते? हमारे जिन मंदिर से चोर आपको उठा कर ले जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। स्वयं धर्णेंद्र और पद्मावती ने आकर आपकी रक्षा करी थी, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, समाज के डर से मंदिर आता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं कक्षा में सबसे होशियार हूँ। मैंने छिमाही की परीक्षा दी है पर पेपर अच्छे नहीं हुए। हे करुणानिधान, मुझे किसी तरह पास करा देना। यदि पास हो गया तो दो छत्र चढ़ाऊंगा। हे अधम उदारक दीन दयालु प्रभु, आपके कृपा से मेरे घर में चारों ओर अमन चैन है। अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखना प्रभु। हे अरहंत सिद्ध परमात्मा, आप तो अन्नदाता हो, कृपालु हो, दया निधान हो। हे प्रभु, मैं तो गरीब हूँ, दुखी हूँ। हे भगवान, मेरी गरीबी मिटा दो। मैं धनवान बनने पर शुद्ध चांदी के सिंहासन बनवाऊंगा। देखा बच्चों, इन सभी भक्तों ने भगवान को लोभी, कर्ता, हर्ता, अन्नदाता, दीन दयाल माना है। पहले अपना काम सफल होने पर भगवान को भी कुछ चढ़ाने का वादा किया है। ये सब अंधविश्वास है।
सबने भगवान को भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर बना दिया है, फिर दुख कहां से दूर होंगे? एक भक्त ने क्या कहा, धर्मेंद्र पद्मावती ने आपकी रक्षा की तो आप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? अरे अनंत वीर्य के धनी भगवान की न तो आज तक किसी ने रक्षा की है और न ही कोई रक्षा कर सकता है। भगवान भी किसी की रक्षा नहीं करते, वे तो अपने आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं, मात्र जानते देखते हैं। बच्चों, इन भक्तों ने भगवान को करुणा निधान, दीन दयालु, अनाथों का नाथ माना है। अरे भाई, भगवान को वीतरागी सर्वज्ञ मानो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का धनी मानो। भगवान से नौकरी की, रुपये पैसे की, घर की, सुख शांति की इच्छा मत करो, क्योंकि उनके पास जो वस्तु नहीं है वो वस्तु देंगे कहाँ से? उपचार से अरहंत आदि की भक्ति अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण कही जाती है, लेकिन किसको? जो जीव भगवान जैसे गुण स्वयं में प्रकट करने की भावना से भगवान की भक्ति करता है, परंतु जो जीव प्रथम से ही लौकिक प्रयोजन के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, उनके तो पाप का ही अभिप्राय होने से तीव्र पाप बंध ही होता है, पुण्य भी नहीं होता, धर्म होना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा बच्चों, इस भक्त की ओर देखो। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु, आप अनंत सुखी हैं, मैं भी आपके समान सुखी होना चाहता हूँ, अतः हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शुद्धाता मारु पंच गुरु जग में शरणो दोए। इस संसार में कहीं भी कोई भी शरण रूप नहीं है, अतः हे प्रभु, मैं आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर आपके समान ही निज आत्मा की शरण लेना चाहता हूँ। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंते अवस्था पाऊंगा। देखा बच्चों, ये है भगवान का सच्चा भक्त, भगवान को भगवान जानकर पूजा करने वाला। नमोकार मंत्र में अरहंत आदि को नमस्कार इसलिए करना कि जो वीतराग विज्ञानता रूप गुण अरहंत आदि में हैं, उन गुणों को मैं भी प्राप्त करूं। बच्चों, अस्पताल तक जाकर आ जाने से या डॉक्टर को झुककर नमस्कार करने से या डॉक्टर को अपनी बात सुना देने मात्र से रोग नहीं मिटता, बल्कि डॉक्टर जो कुछ कहे उस पर अमल करने से रोग मिटता है। उसी प्रकार मंदिर में जाने से या भगवान के समक्ष झुककर नमस्कार करने से या भगवान को अपनी बात सुना देने मात्र से धर्म नहीं होता, परंतु अरहंत आदि की परम शांत मुद्रा को देखकर मैं भी ऐसा ही निर्विकारी परम शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूं, ऐसा निर्णय करके शरीर से भिन्न निज आत्मा का अनुभव करने से धर्म होगा, तभी जन्म मरण का नाश होगा। बच्चों, जो स्वयं में सम्यक्त्वादी गुण वीतराग विज्ञानता रूप गुण प्रकट करना चाहता है, उसे जिनमें ये गुण प्रकट हुए हैं उनके प्रति भक्ति का भाव सहज ही होता है। भूतकाल प्रभु आपका, वो मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका निश्चित भविष्य मम जान। बच्चों, भगवान के समान निजात्मा को देखकर स्वयं में भगवान जैसे गुण प्रकट करना ही देव दर्शन है। भगवान की प्रतिमा तो निमित्त मात्र है, उस प्रतिमा के माध्यम से परमात्मा के गुणों का स्मरण करके अपने निस्वरूप को पहचानना, यही देव दर्शन का प्रयोजन है। इसी प्रयोजन से देव दर्शन करके हम सब भी जन्म मरण का नाश करें, इसी भावना के साथ बच्चों, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।